अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चने की दाल की टिक्की बना रहे हैं। रमजान का टाइम है तो खट्टे ज़्यादा खाए जाते हैं, पकोड़े, फुलकिए, टिक्किए, तो हमने सोचा आज चने की दाल की टिक्की बनाई जाए। उसके लिए हमें चाहिए बॉयल आलू जो हमने पहले से मैश कर लिए हैं, चने की दाल जो बॉयल कर ली है हमने, लाल मिर्च डालकर, नमक डालकर, लाल मिर्च, कॉर्न स्टार्च, चाट मसाला, सॉल्ट, हरा धनिया, ग्रीन चिली, ऑनियन और ये चटनी है ग्रीन जो बाद में हम खाएंगे। हम आलू तैयार कर लेते हैं। कॉर्न स्टार्च बाइंडिंग के लिए अच्छा रहता है। हम चने की दाल में से मसाले मिक्स कर लेते हैं। अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे साथ में। हमें इसको कबाब जैसी शेप देनी है। वो हमारी सब तैयार हो चुके हैं आलू की और चने की दाल की टिक्की। हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। अब हमने ऑयल गरम करके रखा हुआ है, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। ये हमारे चने की दाल की टिक्की तैयार है। इसे चाहे तो आप केचप से भी खा सकते हैं। ओके, आपको जरूर पसंद आई है, जरूर पसंद आएगी आपको।